नमस्कार। सो आज 7 जून 2023 सुबह मैं लेट हो गया, सच बताऊँ एग्जैक्ट इस समय 11:30 बज चुके हैं। और कई बार मैं इस कॉलेज की तारीफ़ कर चुका, इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर चुका, और मैंने इस समय पार्किंग के बीच में खड़ा हूँ जो कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी मौलाना की पार्किंग है। आइए, आपको ना सिर्फ कारों की नंबर को देख के एक आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब आप हम कहीं भी जाते हैं सो डिपेंड बताते हैं ना कि भीड़ कितनी है, इससे पता चलता है कि इट्स अ पेड पार्किंग लेट मी टेल यू। और 25 रुपये टिकट लगी है गाड़ी खड़ी करने की, और आपको आइडिया लग रहा होगा। और लेफ्ट में आप देखेंगे एक दीवार चल रही है, उस दीवार के उधर भी ये मेडिकल कॉलेज है। देखिए मौलाना में ये प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है जहाँ और भी कई तरह के कोर्स होते हैं, बीटेक भी होती है वैसे यहाँ पर, लेकिन जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, जो इतना बड़ा कैंपस नज़र आ रहा है, वो सारा मेडिकल कॉलेज है। और मैं आपको बीच में से अब लेके जाता हूँ, जहाँ उनके सामने जो आपको नज़र आ रहा है मेरे लेफ्ट में, वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करूँगा। और राइट में देखिए हॉस्टल्स, बाकी सब चीज़ें, लुक एट दिस साइज़, इस तरह से घूम और लुक एट दिस साइज़। और अब मैं जामू से आपको लेके जा रहा हूँ उस तरफ, और अब आप देखिएगा सामने HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, अंदर थोड़ा जाएंगे तो ICICI बैंक वगैरह, मतलब कोई भी ऐसा बड़ा बैंक नहीं है जिसकी ब्रांच यहाँ ना चल रही हो। अभी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग आई, उसमें भी ये कॉलेज टॉप 50 में है। और वो जो रैंकिंग होती है ना, वो UG PG कॉलेज मिला के होती है। तो अगर आप सिर्फ UG कॉलेजेस को देखेंगे तो ये शायद इंडिया के टॉप 30 में। और NIRF रैंकिंग हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई हैं, काफ़ी न्यूट्रल हैं और लिस्ट से साबित भी होता है। DY पाटिल भी उस लिस्ट में, मैं हमेशा कहता हूँ DY पाटिल से शानदार कॉलेज, बट उसकी महंगा बहुत पड़ता है ना, पुणे कैंपस 1.5 करोड़ का पड़ता है। ये जो कैंपस है फिर भी 1 CR के अंदर आपकी पढ़ाई हो जाती है। इस साल मेरे पास खबर आई है, पक्की बात है कि 50 सीटें बढ़ गई हैं, तो 150 के पहले 200 MBBS होगा। यहाँ पर 15% NRI होता है, तो 30 सीटें NRI की होंगी, बाकी सीटें नॉर्मल जो मेरिट से दी जाती हैं। एंड इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ द कैंपस दैट यू आर लुकिंग एट, राइट। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, लेफ्ट में देखिए वो सामने आपको अस्पताल का एक नज़ारा दिख रहा होगा ऑलरेडी। ये जो पूरा हॉस्पिटल है दैट इज़ द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ दिस एरिया। और अभी भी देखिए वो पार्किंग है, वो चलती जा रही है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ दिस प्लेस, मतलब एक हिंदी में कहूँ ना, पूरा शहर बसता है यहाँ पर, पूरा शहर बसता है। लोगों को दीजिए, देखिए यहाँ पर कॉलेज ही बहुत सारे हैं, तो आपको लगेगा कि सर ये तो बच्चे जब इतने सारे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, बट आपको हॉस्पिटल का अगर मेन गेट कैमरे में नज़र आ रहा है सो यू कैन हैव अ फेयर आइडिया। और वहाँ से गार्ड बाबू हमें ना देख ले तो मैं यहीं पर रुक जाए जानबूझ के। और आपको इस समय कॉलेज का मेन गेट सामने से नज़र आ रहा होगा, लुक एट द नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज एंड ऑल दैट। और मैं हमेशा कहता हूँ, होता क्या है कि जब आप अम्बाला से राइट टर्न ले लेते हैं, और ये कॉलेज तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर आके है, इट इज़ द ओनली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दिस एरिया। तो अम्बाला से लेकर मतलब इस एरिया जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर 33 से 35 किलोमीटर का हम सर्कल खींचते हैं तो सभी लोगों को इलाज कराने यही आना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ रीज़न कि ये इतना हिट क्यों है। आपको और सामने बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी, अब पूरा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए। जो आप देख रहे हो ये सब एक, ये सारा ये कैंपस है, मतलब टोटल जो इस जगह का कैंपस है ना, एरिया है, वो पता नहीं कितने एकड़ों में होगा। और सबसे बड़ी बात है बसा हुआ एरिया है, और आपको और बहुत कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब ये सामने ग्राउंड भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये ठीक सामने है, और जो सामने आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहा है ठीक सामने सब, वो एक्चुअली मेडिकल कॉलेज है, उसके पीछे वो क्लासेस लगती हैं। बहुत सारे गार्ड हैं, और अब मेरे लेफ्ट में देखिए तो ये वो गेट है जो मेन गेट है जो हॉस्पिटल और कॉलेज का गेट होता है, वो गेट भी आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से टाप नहीं पा रहा क्योंकि सामने एक बाड़ लगी हुई है, लेकिन उस तरफ एक रास्ता है, तो आइए उस तरफ के रास्ते से आपको थोड़ा सा आइडिया में लगाने की कोशिश करता हूँ। और अगर कोई हमें नहीं देख, गार्ड अगर हमें ज़्यादा परेशान ना करे तो हम उधर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ 3-4 गार्ड खड़े हैं, और आप सभी जानते हैं कि जनरली दीज थिंग्स आर नॉट एडवाइज्ड। और आया था मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ के ओनर बिल्कुल सख्त मना करते हैं, जबकि हम यहाँ किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराने ही आए थे, फिर भी यहाँ 2-3 गार्ड खड़े हैं, चुपचाप से चल के देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत ना हो तो। वीडियो में आप फिर भी देखते रहिए, मैं बोलूँगा कुछ नहीं 2 मिनट के लिए। आइए,
आई थिंक मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आप भीड़ देखिए, इसमें 12 बज चुके हैं और ये मेन रिसेप्शन है एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, शायद कई सरकारियों से ज़्यादा यहाँ भीड़ है। तो अपना वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और फिर लेफ्ट में देखिए, मैंने आपको कहा ना ICICI बैंक भी अंदर है, देखिए। और ये सामने आपको दिख रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 10-12 कैफेज़ हैं, मतलब इतना यहाँ मार्केट है, इतने यहाँ लोग आते हैं। इट इज़ रनिंग लाइक ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ज़्यादा क्वालिटी की बात है, सोने पे सुहागा। यहाँ पर जो हॉस्टल्स है वो भी 2 रूम का कमरा होता है विद अटैच वॉशरूम, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें कॉमन वॉशरूम में नहीं जाना। सर एक्चुअली पेरेंट है किसी के लिए आए थे।